हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल इंजीनियरिंग दोज विद कीर्तन जोशी। अगर आप केमिकल इंजीनियर हो, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, केमिकल इंजीनियरिंग को इजी वे से समझना चाहते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को इजी वे से समझना चाहते हो, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करो, जिसकी वजह से केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी फंडामेंटल है मैं आपको सब क्लियर करवाता रहूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि यूटिलिटी क्या है और इंडस्ट्री में कौन कौन सी यूटिलिटी यूटिलाइज होती है और कितने पर्पस के लिए यूटिलाइज होती है, तो वो सब फंडा मैं आज आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, जिसकी वजह से आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि इंडस्ट्री में कौन कौन सी यूटिलिटी यूटिलाइज होती है और कितने पर्पस के लिए वो यूटिलिटी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी का मीनिंग क्या है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग को एकदम इजी वे से अगर आप समझना चाहते हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में नोटिफिकेशन बेल उसको ऑन करो। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी वजह से आपको क्लियर कट हो जाएगा कि यूटिलिटी क्या है। अगर समझो मैं घर पे चाय बनाना चाहता हूं, तो चाय बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, चाय चाहिए, वाटर चाहिए, इतने रॉ मटेरियल मुझे चाहिए। मैंने सब रॉ मटेरियल इकट्ठे कर दिए, सब रॉ मटेरियल को मिक्स कर दिया, दूध को मिक्स कर दिया, शुगर को मिक्स कर दिया, टी को, चाय को मिक्स कर दिया और ऐसे उसको हिला दिया, क्या चाय बन जाएगी? आंसर इज नो, चाय नहीं बनेगी। कब तक चाय नहीं बनेगी? जब तक आप उसको गैस के ऊपर ले जाके हीट नहीं करते, मींस जब तक आप उसको हीट नहीं दोगे तब तक चाय नहीं बनेगी। तो जो आप उसको हीट दे रहे हो वो हीट क्या है? हीट इज अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी। हीट कहां से दे रहे हो? गैस से दे रहे हो, मींस एलपीजी से आप उसको हीट कर रहे हो, तो एलपीजी कंसिडर एज ए यूटिलिटी। तो मैं अभी यूटिलिटी की डेफिनेशन बनाने वाला हूं। यूटिलिटी रॉ मटेरियल नहीं है, चाय यूटिलिटी नहीं है, चाय यूटिलिटी नहीं है, शुगर यूटिलिटी नहीं है, मिल्क यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आपने जो एलपीजी सप्लाई किया वो यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है? यूटिलिटी इज अ पार्ट, यूटिलिटी इज नॉट अ रॉ मटेरियल। यूटिलिटी रॉ मटेरियल नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो यूटिलिटी रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन बिना यूटिलिटी के चाय बनाना इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, तो यूटिलिटी रॉ मटेरियल नहीं है। लेकिन यूटिलिटी प्लांट के अंदर एक ऐसा पार्ट है कि उसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो इट इज वेरी क्रिटिकल और इम्पॉसिबल। फिर से एक बार, यूटिलिटी रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल के अलावा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो महत्व का, जो इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी। रॉ मटेरियल के सिवा प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होती है यूटिलिटी। तो किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? जो रॉ मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है वाटर, एयर, स्टीम, उसके बाद में आपको बताऊंगा नाइट्रोजन और रेफ्रिजरेशन मीन सील वाटर, ये सब यूटिलिटी है। तो ये यूटिलिटी को हम प्लांट में कहां कहां कौन कौन से पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले वाटर के बारे में आपको बता रहा हूं कि वाटर रॉ मटेरियल अगर नहीं है फिर भी वाटर के बिना प्लांट चलाना नामुमकिन है, मुश्किल है, आप सबको पता होगा अगर आप इंडस्ट्री से कोरिलेट करते हो। तो वाटर का यूटिलिटी में पर्पस क्या है? एज अ वॉशिंग, एज अ रिएक्शन टेम्परेचर, रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए भी वाटर यूटिलाइज होता है और रिएक्शन का टेम्परेचर कंट्रोल मींस कूलिंग करने के लिए भी यूटिलाइज होता है। अभी रिएक्शन कंट्रोल के लिए यूटिलाइज होता है उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर आप उसको कूलिंग कर दोगे तो रिएक्शन ब्रेक हो जाएगी, तो वो रिएक्शन को भी कंट्रोल कर सकती है। स्टीम प्रोडक्शन के लिए भी हम वाटर का यूटिलाइज कर सकते हैं। फायर, कोई भी इंडस्ट्री में आग लगती है तो सबसे पहला प्रिकॉशन होता है वाटर, तो वाटर फायर प्रिवेंट करने के लिए भी यूटिलाइज होता है। एयर, एयर वर्क एज अ यूटिलिटी। हम एयर को यूटिलिटी क्यों बोलते हैं? तो क्लीन एरिया, एरिया को क्लीन करने के लिए हम एयर यूटिलाइज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपके दिमाग में आया होगा कि वाटर क्यों नहीं, एयर ही क्यों, आपके पास दो ऑप्शन है भैया,
आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपके पास फोर व्हील है, फोर व्हील को अगर आप अंदर से क्लीन करना चाहते हो तो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? आप वाटर से भी कर सकते हो वॉशिंग, आप एयर से भी कर सकते हो, तो बेटर ऑप्शन इज फॉर दैट एयर। अगर आप अंदर से क्लीन करना चाहते हो तो एयर से करो तो बेटर रहेगा। तो अगर आपको सोचना है कि मैं यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी यूटिलाइज कर सकता हूँ, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एयर चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एयर चाहिए, तो एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इंडस्ट्री से कोर इलेक्ट करते हो तो आपको पता होगा कि कोई भी ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल्व जो वर्क करता है वो न्यूमेटिक, वो एयर प्रेशर से वर्क करता है। तो अगर वहां पे भी आपको वाल्व को ऑटो में ऑपरेट करना है, मीन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको एयर चाहिए। कूलिंग के लिए हम एयर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कूलिंग के लिए हम वाटर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द पर्पस कि हमको क्या यूटिलाइज करना है। न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम का मतलब क्या है? न्यूमेटिक मीन्स हवा, न्यूमेटिक मीन्स हवा के साथ जो कोर इलेक्ट करता है वो। तो न्यूमेटिक सिस्टम मीन्स क्या? आपने देखा होगा कि अगर आप टायर पंचर करवाने के लिए जाते हो तो वहां पे जो बोल्ट फिट करता है तो ड्रिल मशीन ऐसे सीधा लगा देता है, तो जिसकी वजह से बोल्ट फिट हो जाता है। तो वो ड्रिल मशीन दो तरीके से ऑपरेट होते हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी और बाय एयर प्रेशर। वो इलेक्ट्रिक प्रेशर से भी ऑपरेट हो सकते हैं, वो एयर प्रेशर से भी ऑपरेट हो सकते हैं। अगर आपका फायर हैजार्डस प्लांट हो और आपके प्लांट में कुछ ऐसा फंक्शन करना हो, ऐसा रोल करना हो, कोई भी वेसल को अगर आपको ओपन करना हो, कोई भी वेसल को अगर आपको क्लोज करना है, तो उस टाइम पे आप जो ड्रिल मशीन यूटिलाइज करोगे और न्यूमेटिक यूटिलाइज करोगे। क्यों? क्योंकि वो फ्लेमेबल प्लांट है। वहां पे अगर इलेक्ट्रिक मशीन यूटिलाइज किया और नॉर्मल सा भी स्पार्क हो गया तो वो फायर को लगा सकती है। इसलिए प्रेशर टेस्ट करने के लिए भी एयर चाहिए। अगर मैकेनिकल वालों ने कोई भी इक्विपमेंट खोला, ओपन किया, उसके बाद उसने बॉक्सअप किया, तो बॉक्सअप प्रॉपरली किया है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम प्रेशर टेस्ट लेते हैं, वो भी हम एयर से लेते हैं। तो एयर वर्किंग एज अ यूटिलिटी फॉर इतने पर्पस के लिए। उसके बाद आता है स्टीम, स्टीम वर्किंग एज अ यूटिलिटी। स्टीम का क्या फंक्शन है? अगर कोई भी प्लांट में आप हीटिंग करना चाहते हो तो वहां पे स्टीम यूटिलाइज होता है। डी चॉकिंग, अगर कोई लाइन हेविली चॉक हो गई तो आप उसको स्टीम प्रेशर से उसको डी चॉक कर सकते हैं। केमिकल रिकवर, केमिकल रिकवर आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट में अगर सपोज समझो कि कोई भी एक, मैं यहाँ पे ले रहा हूं चारकोल, चारकोल ने यहाँ पे कुछ एड्सॉर्ब कर लिया है जो कॉस्टली केमिकल है, अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? यहां से स्टीम लगाओगे। स्टीम क्या करेगी? यहां से जो भी कॉस्टली केमिकल है उसको रिकवर करके नीचे से निकल जाएगी। तो केमिकल रिकवर करने के लिए भी हम स्टीम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पर्जिंग, पर्जिंग के लिए भी हम स्टीम यूटिलाइज कर सकते हैं। पर्जिंग मीन्स व्हाट? अगर आपके प्लांट में कोई फ्लेमेबल मटेरियल वेंट हो रहा है तो आपको पता होगा कि जहां पे वेंट है वहां पे फायर होने का चांसेस है। तो आप वहां पे क्या करोगे? वहां पे जहां से वेंट हो रहा है वहां पे आप स्टीम की लाइन दे दो, जो भी फ्लेमेबल मटेरियल वेंट हो रहा है वहां पे स्टीम को भी चालू रखो, तो वहां पे फायर नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं पर्जिंग। तो पर्जिंग के लिए भी हम स्टीम यूटिलाइज करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये यूटिलिटी है, ये रॉ मटेरियल नहीं है, फिर भी एक प्रोडक्शन लाने के लिए, प्लांट चलाने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी। अभी भी दो तीन यूटिलिटी बाकी है, मैं आपको यहां पे क्लियर करवा रहा हूं कि उसका पर्पस क्या है। उसके बाद मैं यूटिलिटी ले रहा हूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ऑल्सो वर्क एज अ यूटिलिटी। उसके बाद में यहाँ पे यूटिलिटी रह रहा हूं रेफ्रिजरेशन, अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा चीलर, अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा चील्ड वाटर, ये भी एक यूटिलिटी है। और सबसे लास्ट में एक यूटिलिटी है जो आपको कोई भी प्लांट चलाने के लिए चाहिए चाहिए चाहिए, और वो है पावर, अदरवाइज मैं उसको बोल सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कंसिडर एज ए यूटिलिटी। आप यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट पावर के बिना चल नहीं सकता, पावर रॉ मटेरियल नहीं है, फिर भी पावर प्लांट को चलाने के लिए चाहिए चाहिए और चाहिए ही, सो पावर इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी।
अभी ये सबका कोई ना कोई रोल है, तो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि ये सबका क्या यूटिलाइज है। तो सबसे पहले मैं एन टू पे आ रहा हूँ। एन टू इंडस्ट्री में क्यों यूटिलाइज होता है? तो सबसे पहले पर्जिंग एज ए इनर्ट गैस। क्या है उसका मतलब, मैं आपको वो क्लियर करवाने वाला हूं। इनर्ट मींस क्या? जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता उसको हम बोल सकते हैं इनर्ट। मींस आपको पता होगा कि हवा में 21% ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है। अगर मैंने यहां से हवा में नाइट्रोजन अपने बॉडी में ले लिया तो अपनी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन मेरी बॉडी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता। तो वैसे भी नाइट्रोजन दूसरे भी केमिकल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता। इनर्ट, जो रिएक्ट नहीं करता है उसको हम बोलते हैं इनर्ट। तो इनर्ट गैस के लिए हम नाइट्रोजन यूटिलाइज कर सकते हैं, बराबर। और प्रिवेंट फायर, एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं फायर प्रिवेंट के लिए। आपके घर में अगर एलपीजी आ रही है, एलपीजी की लाइन आ रही है, कोई भी जगह पे वो लीकेज हो गई और आपको वहां पे वेल्डिंग करवाना है, आप कोई भी वेल्डर को जाके बोलोगे कि भाई यहाँ पे वेल्डिंग करो, वो इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वो लाइन को पूरी ऑक्सीजन से रिमूव करना होगा, क्योंकि आप सबको पता है, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, कोई भी फायर होने के लिए ये फायर ट्रायंगल चाहिए। फायर ट्रायंगल मींस ऑक्सीजन मींस फ्यूअल, और यहाँ पे जो आता है हीट, अदरवाइज मैं बोलूंगा स्पार्क। अगर मेरे घर में एलपीजी आ रहा है और मैंने यहाँ पे समझो कि मेरे घर में एलपीजी की लाइन लीक हो गई, तो एलपीजी की लाइन में फ्यूअल भी है, एलपीजी की लाइन में ऑक्सीजन भी है। अगर मैंने कोई भी कंडीशन में वहां पे वेल्डिंग करना स्टार्ट किया तो उसको हीट, उसको स्पार्क मिल जाएगा, तुरंत वो फायर पकड़ लेगी। तो अगर मेरे इंडस्ट्री में भी ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल की लाइन आती है, इंडस्ट्री में आपको पता होगा कि ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल की लाइन आती है, वो भी लीकेज तो होती ही होगी, अगर उसको मुझे वेल्डिंग करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं उसका क्या करूंगा, नाइट्रोजन से पर्जिंग करूंगा। पर्जिंग मींस उसको कंटिन्यू वहां से इन करूंगा और आउट करूंगा। क्या होगा, सपोज ये लाइन है, एलपीजी की लाइन है, यहाँ पे लीक हुई, यहाँ पे अगर वो लीक हो रही है तो मैं क्या करूंगा, यहां से कंटिन्यूस नाइट्रोजन इन करूंगा और यहां से कंटिन्यूस नाइट्रोजन आउट करूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे 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 यहां से एलपीजी की जो क्वांटिटी हो वेरी वेरी लेस हो जाएगी, और ये जो सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा नाइट्रोजन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वेल्डिंग करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैंने वेल्डिंग करना स्टार्ट किया, यहाँ स्पार्क अवेलेबल हो गया, स्पार्क भी हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन क्या नहीं है, फ्यूअल नहीं है। फायर ट्रायंगल में अगर कोई भी एक कंपोनेंट नहीं है तो फायर वो पकड़ नहीं सकता है। तो फायर को प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या यूटिलाइज करते हैं, नाइट्रोजन यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज द यूटिलिटी, दिस इज ऑल्सो वर्क एज ए यूटिलिटी। कितने प्लांट तो ऐसे होते हैं जहां पे अगर आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो तो प्रोडक्शन तो बन सकता है लेकिन चालू करने की आपको परमिशन नहीं मिलेगी। व्हाई? ड्यू टू फायर। फायर अगर हो गई तो हम उसको कंट्रोल कैसे करोगे, नाइट्रोजन नहीं है तो, इसकी वो वजह है। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, अदरवाइज चिलर सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम चिलर, चिल का मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो ऑप्शन है, आज मैं आपको वो भी क्लियर करवा रहा हूं, एक कूल और दूसरा चिल। तो कूल और चिलिंग में क्या डिफरेंस है, अगर कोई भी कंडीशन में जो एटमोस्फियर तक का जो भी टेम्परेचर है उसको हम बोलेंगे कूलिंग, और अगर कोई भी मटेरियल को हम बिलो एटमोस्फियर टेम्परेचर डाउन ले जाओगे तो उसको हम बोलेंगे चिलिंग। चिलिंग का मतलब क्या है, समझो अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, कोई भी केमिकल, कोई भी मटेरियल, कोई भी वाटर को अगर मैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जा रहा हूं, मीन्स एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से नीचे ले जा रहा हूं, तो उसको मैं बोल सकता हूं चिलिंग सेक्शन। मीन्स चिलिंग सेक्शन का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, बिलो एटमोस्फेयर रहता है। तो कूलिंग और चिलिंग में आपको डिफरेंस पता चल गया, कूलिंग का टेम्परेचर नियरली एटमोस्फेयर या एटमोस्फेयर से ज्यादा रहता है, चिलिंग का टेम्परेचर एटमोस्फियर से बिलो रहता है। तो जो एटमोस्फियर से बिलो टेम्परेचर है उसको हम बोलेंगे चिलिंग सिस्टम। तो चिलिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, तो आपने देखा होगा और मैंने भी वैक्यूम पंप के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपको इंडस्ट्री में वैक्यूम चाहिए या वैक्यूम पंप चलाना है तो ये चिलिंग, चिल वाटर इज रिक्वायर्ड वाटर रिंग बनाने के लिए। अगर आप देखना चाहते हो तो वैक्यूम पंप का मेरा एक वीडियो है, वो देख लेना,
आपको चिल वाटर का सब फंडा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, सॉल्वेंट लॉस कम करने के लिए, मींस वॉलेटाइल मटेरियल का लॉस, मैं यहां पे लिखता हूं वॉलेटाइल लॉस। वॉलेटाइल मींस क्या, अगर आप पेट्रोल लोगे उसको एटमोस्फेयर में रखोगे क्या होगा, पेट्रोल की वेपर बन के एटमोस्फेयर में से निकल जाएंगी, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर जो समझो कि यहां से जो भी वेपर से यहां से निकल रही है, यहां से निकल रहे, समझो मैंने यहां पे एक चिलिंग सिस्टम लगा दिया, चिलिंग सिस्टम लगा दिया तो क्या होगा, यहां पे मैं चिल वाटर इन करूंगा, यहां से मैं चिल वाटर आउट करूंगा, चिल वाटर के कांटेक्ट में जैसे ये वेपर आएगी वो फिर से कंडेंस होके क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो वॉलेटाइल मटेरियल का लॉस कम हो जाएगा। तो वॉलेटाइल मटेरियल का लॉस कम करने के लिए हम ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना हो, कितना कंट्रोल करना हो, तो मैंने अभी बताया था बिलो एटमोस्फियर, तो तभी भी आप रेफ्रिजरेशन, चिल वाटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूटिलाइज कर सकते हैं, बराबर। और लास्ट में आता है पावर, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक दैट पावर को अंडरस्टैंड, पावर को समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि पावर के बिना कोई भी प्लान चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और यहाँ का एक एडवांटेज मैं आपको भूल गया, नाइट्रोजन एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी यूटिलाइज होता है। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने देखी होगी बालाजी की वेफर, बालाजी की वेफर आप अगर बाइंग करते हैं, खरीदते हैं, तो वो वेफर बहुत कम होती है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा उसमें भरा होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन फिलअप किया होता है। क्यों किया होता है, क्योंकि अगर बालाजी की वेपर एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो बिगड़ जाएगी। नाइट्रोजन इनर्ट है, वो बालाजी की वेफर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, तो बालाजी वाले, गोपाल वाले, ये सब जो वेफर्स वाले होते हैं, वो भी पैकिंग में क्या यूटिलाइज करते हैं, नाइट्रोजन फिलअप करते हैं, नाइट्रोजन से उसको पैकिंग को फिल करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो ये सब हमारी यूटिलिटी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगा आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से एक बार, केमिकल इंजीनियर को इजी वे से समझना है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।